मैं कुछ रिएक्शंस इसी समय लिखता हूं, मैं चार पांच रिएक्शंस लिखूंगा और इन सभी रिएक्शंस में आप देखोगे कि इथाइल अल्कोहल बन रहा है, विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। मैं हर एक रिएक्शन में इथाइल अल्कोहल को बनते हुए दिखाऊंगा, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल। यह एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन के दौरान कुछ एंथैल्पी चेंज है डेल्टा एच वन, इनको ध्यान से देखेंगे। मैं इस तरह से पांच छह रिएक्शन सभी लिख रहा हूं, आपको बड़े ध्यान से देखनी है और फिर मुझे यह बताना है कि इन रिएक्शंस में से किस रिएक्शन की एंथैल्पी को आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल कहोगे। टू कार्बन इन गैसियस स्टेट प्लस सिक्स हाइड्रोजन इन गैसियस स्टेट प्लस ऑक्सीजन एटम इन गैसियस स्टेट गिव्स यू C2H5OH डेल्टा एच टू। दिस इज अनदर रिएक्शन। द थर्ड रिएक्शन इज टू कार्बन इन सॉलिड एंड ग्रेफाइट स्टेट, थ्री हाइड्रोजन in gaseous state, half O2 in gaseous state, giving you C2H5OH in gaseous state, delta S3. Four carbon in solid and graphite state, 6S2 plus O2 in gaseous state gives you twice C2H5OH and CO in gaseous state plus 5S2 in gaseous state plus carbon in solid and graphite state gives you C2H5OH in liquid state. C2H4 plus H2O, C2H4 in gaseous state, H2O in liquid state, giving you C2H5OH in liquid state. मैंने इनफैक्ट छह रिएक्शन लिखी है, बड़े ध्यान से इन छह रिएक्शन को देखिए। इन सभी छह रिएक्शन में वी आर ऑब्जर्विंग इथाइल अल्कोहल ऑन प्रोडक्ट साइड, मींस इथाइल अल्कोहल इज द प्रोडक्ट, मींस इथाइल अल्कोहल इज बीइंग फॉर्म्ड। इन सभी रिएक्शन में कुछ ना कुछ कंडीशंस में डिफरेंस है, और कंडीशंस में जब डिफरेंस होता है तो एंथैल्पी चेंज में डिफरेंस आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टू कार्बन इन गैसियस स्टेट, थ्री हाइड्रोजन इन गैसियस स्टेट, हाफ ऑक्सीजन इन गैसियस स्टेट, गिविंग यू इथाइल अल्कोहल। इस दौरान जो भी कुछ हीट ट्रांसफर होगी, जो भी कुछ हीट एब्जॉर्ब होगी या जो भी कुछ हीट रिजेक्टेड होगी, दैट इज डेल्टा एच वन। दूसरे रिएक्शन के दौरान ऑब्जर्व द कंडीशन,
इस रिएक्शन के दौरान जो भी कुछ हीट ट्रांसफर होगी दैट इज डेल्टा एच टू एंड इट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम डेल्टा एच वन क्योंकि कंडीशन चेंज हो गई. इस तरह से तीसरी रिएक्शन में भी कंडीशन बदल रही है, कुछ हीट चेंज होगी, कुछ हीट ट्रांसफर होगी एंड दैट इज डेल्टा एच थ्री एंड दैट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द सेकेंड रिएक्शन. इस तरह से छह अलग अलग रिएक्शन है और इन छह अलग अलग रिएक्शन में छह अलग अलग एंथैल्पी चेंज है. अब आप मुझे बताइए इनमें से किस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज को हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल कहेंगे. बड़े ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इनमें से किस रिएक्शन की एंथैल्पी को हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल कहेंगे. जनाब बड़े ध्यान से देखते हैं क्योंकि यही चीज हमें प्रॉब्लम्स में बड़े ध्यान से देखना पड़ती है. जब हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखने के लिए कहा जाए तब हमें बिल्कुल सही तरीके से लिखना होता है. कहीं पर जब ढेर सारी रिएक्शंस दी हुई होती हैं तो हमें यह समझना होता है कि इसमें से किस रिएक्शन की एंथैल्पी को हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे. क्या पहली रिएक्शन की एंथैल्पी को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहा जाना चाहिए? जरा ध्यान से देखते हैं इसमें क्या गलती है. यह जो कार्बन गैसियस स्टेट में दिख रहा है, गैसियस स्टेट में लिया हुआ कार्बन स्टेबल नहीं होता है. हम जब फॉर्मेशन करते हैं तो फॉर्मेशन करते समय एक मोल बनना चाहिए और सारे के सारे रिएक्टेंट प्योर और स्टेबल स्टेट में होना चाहिए. इस तरह से गैसियस स्टेट में लिया हुआ कार्बन वहां एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन करते समय गलत होगा. इस रिएक्शन की एंथैल्पी को हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहेंगे. क्या दूसरी रिएक्शन की एंथैल्पी को हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे? सर इसमें क्या गलती है? ऑक्सीजन एटम. इनफैक्ट सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, हाइड्रोजन भी एटॉमिक स्टेट में है, कार्बन भी एटॉमिक स्टेट में है. इस तरह से एटॉमिक स्टेट में लिया हुआ कार्बन, इस तरह से एटॉमिक स्टेट में लिया हुआ हाइड्रोजन, इस तरह से एटॉमिक स्टेट में लिया हुआ ऑक्सीजन, दे मे बी प्योर बट दे आर नॉट स्टेबल. यह तीनों ही जगह पर गलती है. इस वजह से दूसरी रिएक्शन की एंथैल्पी भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल नहीं कहलाएगी. क्या तीसरी रिएक्शन की एंथैल्पी को हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हैं? क्यों नहीं? बिल्कुल सही. वंस अगेन इथाइल अल्कोहल इस जगह पर गैसियस स्टेट. इथाइल अल्कोहल लिक्विड स्टेट में होती है. इथाइल अल्कोहल का जो फॉर्म है स्टैंडर्ड कंडीशन पर वह लिक्विड फॉर्म है. इस जगह पर रिएक्टेंट साइड कहीं कोई गलती नहीं दिख रही है. दो कार्बन सॉलिड स्टेट में, ग्रेफाइट स्टेट में बिल्कुल सही दिख रहा है. तीन हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर और गैसियस स्टेट में यह भी बिल्कुल सही दिख रहा है और हाफ ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में यह भी बिल्कुल सही दिख रहा है. मगर इस तरह से गैसियस स्टेट में बना हुआ इथाइल अल्कोहल यह नहीं एक्सेप्ट करा जा सकता है. इसलिए तीसरी रिएक्शन की एंथैल्पी भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहलाएगी. क्या चौथी रिएक्शन की एंथैल्पी को हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे? नो सर, बैलेंस नहीं है रिएक्शन. बैलेंस क्यों नहीं है? हाइड्रोजन 12 में उधर, आई थिंक रिएक्शन तो बैलेंस है. इसको रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस है. मैंने इस तरह की गलती नहीं करी है कहीं पर भी. क्या चौथी रिएक्शन की एंथैल्पी को हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे? क्या चौथी रिएक्शन की एंथैल्पी को हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे? हम चौथी रिएक्शन की एंथैल्पी को भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहेंगे. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन को ध्यान से देखिए. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन वन मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड From its pure and stable molecule. इस जगह पर सब कुछ परफेक्ट है. 4 कार्बन
सॉलिड और ग्रेफाइट स्टेट में, छह हाइड्रोजन गैसेस स्टेट में, ऑक्सीजन गैसेस स्टेट में, सारे प्योर और स्टेबल फॉर्म। यहां पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। इथाइल अल्कोहल भी लिक्विड स्टेट में, यह भी सही है, मगर इस रिएक्शन में 2 मोल इथाइल अल्कोहल बन रहे हैं। और हमने डेफिनेशन में बिल्कुल साफ साफ लिख रखा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स प्योर एंड स्टेबल मॉलिक्यूल, जबकि 2 मोल बन रहे हैं। इसलिए इस रिएक्शन की एंथैल्पी को भी हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल नहीं कहेंगे। क्या पांचवी रिएक्शन की एंथैल्पी को हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे? नहीं। क्यों नहीं? कार्बन मोनोऑक्साइड यह प्योर मॉलिक्यूल नहीं है, इनप्योर, अपने आप में कंपाउंड है। इस तरह से कंपाउंड यदि ले लिया जाए तो उस रिएक्शन की एंथैल्पी को फिर हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहते। क्या छठी रिएक्शन की एंथैल्पी को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे? वंस अगेन नो। इनफैक्ट इधर दी गई सभी 6 रिएक्शन, इनके किसी भी एंथैल्पी को हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहेंगे। कोई सी भी रिएक्शन की एंथैल्पी को हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल नहीं कहेंगे। इधर इथिलीन भी कंपाउंड है, वाटर भी कंपाउंड है, दे मे बी स्टेबल बट दे आर नॉट प्योर, इसलिए इस रिएक्शन की एंथैल्पी भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं। तो फिर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल कैसे लिखा जाएगा? उसे तो ऑलरेडी मैं पहले ही लिख चुका हूं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन करते समय एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल जब भी मुझे लिखना है हमेशा मैं इस तरह से लिखूंगा, मैं कहूंगा 1 मोल इथाइल अल्कोहल बनना चाहिए और इथाइल अल्कोहल लिक्विड स्टेट में होता है, 1 मोल इथाइल अल्कोहल लिक्विड स्टेट में, और इसे बनना चाहिए इसके प्योर और स्टेबल मॉलिक्यूल से, मतलब 2 कार्बन सॉलिड और ग्रेफाइट स्टेट में, 3 हाइड्रोजन के मोल्स गैसियस स्टेट में और 1/2 ऑक्सीजन का मोल गैसियस स्टेट। इस तरीके से जब आप 1 मोल इथाइल अल्कोहल को बना रहे हो तो इस रिएक्शन के दौरान जो भी कुछ एंथैल्पी चेंज है उसे हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल कहेंगे। दिस इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के कंसेप्ट को समझने के बाद अब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा द कंसेप्ट ऑफ हेस लॉ। इसको नोट डाउन कर लो। नाउ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के कंसेप्ट को समझने के बाद अब मैं थर्मोकेमिस्ट्री का एक सबसे इंपॉर्टेंट लॉ, जिस बेसिस पर विल कम अक्रॉस मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, एंड दैट इज द कंसेप्ट ऑफ हेस लॉ। In fact, Hess law is another statement or another form of the same energy conservation principle that we had studied in physics or that we'll study in physics, and it's another statement of first law of thermodynamics. उसी को हम थर्मोकेमिस्ट्री में हेस लॉ कह देते हैं। हमने फिजिक्स में एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल सीख रखा है। व्हाट इज दैट एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल? एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल सेज दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट मे चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर। यह एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल है फिजिक्स का। एनर्जी न तो क्रिएट हो सकती है और न ही डिस्ट्रॉय हो सकती है। एनर्जी सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। इसी फिजिक्स के एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को हम थर्मोडायनामिक्स में क्या कहते हैं?
फर्स्ट लॉ। थर्मोडायनेमिक्स में इसी को हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। व्हाट डू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज? हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल। हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दे आर इंटरकन्वर्टेबल। मीन्स हीट, वर्क, इंटरनल एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, क्रिएट नहीं होंगे, ये आपस में कन्वर्ट किसी भी तरह से करे जा सकते हैं। आप हीट को इंटरनल एनर्जी और वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, वर्क को इंटरनल एनर्जी और हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, और इंटरनल एनर्जी को वर्क और हीट में। दिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसी को हमने हेस लॉ कहा है थर्मोकेमिस्ट्री में। नाउ व्हाट डू दिस लॉ सेज दैट? इट सेज दैट रिएक्शंस मे बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड अल्जेब्रिकली एंड सो डू इज द एंथैल्पी। रिएक्शंस को आप अल्जेब्रिकली एड भी कर सकते हो और सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हो, और जिस तरह से आप रिएक्शंस को एड और सब्सट्रैक्ट कर रहे हो बिल्कुल उसी तरह से आप उनकी एंथैल्पीज को भी एड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। मैं समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स कन्वर्ट ग्रेफाइट इंटू कार्बन डाइऑक्साइड। अब ग्रेफाइट का कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्जन दो तरीके से करा जा सकता है। सबसे पहले हम एक मोल सॉलिड ग्रेफाइट ले लें और इसको हाफ मोल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाएं और वहां पर एक मोल कार्बन मोनोऑक्साइड। This is the first step. And during this first step, the enthalpy changes delta H1. अब दूसरे स्टेप में मैं क्या करता हूं? This carbon monoxide, which is in gaseous state, it further combine with half mole of oxygen. This carbon monoxide, which is in gaseous state, it further combine with half mole of oxygen to give you CO2. And during this step, the enthalpy changes delta S2. इस तरीके से हमने पहले कार्बन को कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट करा, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करा। अब हम कहते हैं इस फिनोमेना को सिंगल स्टेप में करा जा सकता था। हमने पहले कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। हम इस फिनोमेना को सिंगल स्टेप में कर सकते थे। हम एक मोल सॉलिड ग्रेफाइट के साथ में पूरा एक मोल ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में रख देते तो एक ही बार में वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती और इस फिनोमेना के दौरान एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच होता। हम इस फिनोमेना को एक ही स्टेप में कर सकते थे। इस फिनोमेना के दौरान, पहले फिनोमेना के दौरान चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच वन, दूसरे फिनोमेना के दौरान चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच टू, और सिंगल स्टेप में करने पर डेल्टा एच। Now, energy conservation principle says that
और द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज दैट कि हम जब स्टेट वन से फाइनल स्टेट पर जा रहे हैं तो हम किसी भी रास्ते से होकर जाए ओवरऑल चेंज इन एंथैल्पी सेम रहनी चाहिए. एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस व्हेन वी कैरीड इट इन टू स्टेप्स डेल्टा एच वन इज एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फर्स्ट प्रोसेस डेल्टा एच टू इज एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग सेकेंड स्टेप ऑफ द प्रोसेस वन. This must be equal to enthalpy change if this process were carried in single step. हम ultimately जो product बना रहे हैं वह same है. Initially reactant भी same था तो हम चाहे उसको दो step में करें चाहे single step में करें दो स्टेप में जो टोटल एंथैल्पी चेंज है वही सिंगल स्टेप में एंथैल्पी चेंज होना चाहिए. अब इस चीज को हम कैसे देख सकते हैं. इफ वी एड दिस टू रिएक्शंस वील ऑब्टेन दिस थर्ड रिएक्शन. हम इन दोनों रिएक्शन को यदि ऐड कर देते तीसरी रिएक्शन मिल जाएगी तो हम इन दोनों रिएक्शन की एंथैल्पी को ऐड कर दें तो हमें इस तीसरी रिएक्शन की एंथैल्पी मिल जाएगी. इफ वी एड एंथैल्पी ऑफ दिस टू रिएक्शन वी विल गेट द एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन. मैं दोबारा इस बात को स्टेटमेंट के फॉर्म में रिपीट कर देता हूं. थर्मोकेमिकल इक्वेशंस और केमिकल रिएक्शंस मे बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड अल्जेब्रिकली. हियर वी आर एडिंग द थर्मोकेमिकल इक्वेशन. Chemical reactions may be added algebraically. And so do is the enthalpy. जिस तरह से हम reactions को add कर रहे हैं उसी तरह से हम उनकी enthalpy को add कर सकते हैं. We add this to reaction and we get this overall reaction. It means we add enthalpy of this to reaction and we'll get enthalpy change of this overall reaction. Thus delta H would be equal to delta H1 plus delta H2. This is Hess law. बिल्कुल मैं एक और बार रिपीट कर रहा हूं. Hess law says that chemical reactions may be added or subtracted algebraically and so do is the enthalpy. Chemical reactions may be added or subtracted algebraically and so do is the enthalpy. Chemical reactions ko aap algebraically add bhi kar sakte ho aur subtract bhi kar sakte ho. Aur jis tarah se aap chemical reactions ko add kar rahe ho bilkul usi tarah se enthalpies ko bhi add kar do. यदि आप केमिकल रिएक्शंस को सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो बिल्कुल उसी तरह से आप एंथैल्पीज को भी सब्सट्रैक्ट कर दो. जैसे मैं समझाता हूं एक और प्रॉब्लम से समझाता हूं. देखिए हाइड्रोजन इन गैसियस स्टेट हाफ ऑक्सीजन इन गैसियस स्टेट इट गिव्स यू H2O इन गैसियस स्टेट. इस रिएक्शन की एंथैल्पी है डेल्टा H1. ये कोई रिएक्शन है और इस रिएक्शन की एंथैल्पी हमें दे रखी है. मैं एक दूसरी रिएक्शन लिखता हूं H2 प्लस हाफ O2 हाइड्रोजन इन गैसियस स्टेट
oxygen in gaseous state gives you H2O in liquid state. Observe the two equations. मेरा सबसे पहला आपसे सवाल है, do the two equations suggest you the same chemical change or the different chemical change? इन दोनों equation में जो chemical change हो रहा है, is that same or is that different? बिल्कुल सही. Here we used to say the two equations suggest us the same chemical change. Chemical change same क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि दोनों ही equations में hydrogen gas oxygen gas के साथ combine करके H2O बना रही है. तो इस जगह पर हम कहेंगे कि chemical change तो same है, but R the two thermochemical equations same or different? Thermochemical equation की बात करता हूं तो मैं कहूंगा this are two different thermochemical equations. क्योंकि thermochemical equation में हम कहते हैं chemical change के साथ साथ thermodynamic change भी associated रहता है. This are two thermochemical equation and they are two different thermochemical equation because thermodynamic change in the two cases would be different. Why this thermodynamic change would be different? Because in case one, H2O is being formed in gaseous state, while in case two, H2O is being formed in liquid state. Now, Hess law says that if this is equation 1 and this is equation 2, I can subtract equation 1 and equation 2. मैं equation 1 minus equation 2 कर सकता हूं. I can do that. I have got liberty, that can always be done. मैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 जब करूंगा तो हाइड्रोजन इन गैसियस स्टेट कैंसिल हो जाएगा, ऑक्सीजन इन गैसियस स्टेट कैंसिल हो जाएगा, और इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 जब करूंगा तो H2O लिक्विड स्टेट में जो इधर नेगेटिव दिखा है वो इस तरफ दिखने लगेगा. एंड आई कैन ऑलवेज राइट इट लाइक दिस, H2O इन लिक्विड स्टेट गिविंग यू H2O इन गैसियस स्टेट. और यह जो नई केमिकल इक्वेशन लिखी है इसके लिए हम एंथैल्पी लिखेंगे डेल्टा एच, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन जब करी, हाइड्रोजन कैंसिल ऑक्सीजन कैंसिल, दिस माइनस दिस जब करा तो H2N लिक्विड गिविंग यू H2N गैस, और इस रिएक्शन के दौरान एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच. नाउ हेस लॉ सेज दैट chemical equations may be subtracted algebraically and so do is the enthalpy. का मतलब है जिस तरह से आपने chemical reaction को subtract करा है बिल्कुल उसी तरह से उनकी enthalpies को भी subtract कर दीजिए. ये जो subtract करके आपको chemical equation मिली है इसकी जो enthalpy होगी that would be equal to delta H1 माइनस डेल्टा एच टू. आप जिस तरह से केमिकल इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करें बिल्कुल उसी तरह से उसकी एंथैल्पी को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए. दिस इज हेस लॉ. नाउ बेस्ड ऑन दिस हेस लॉ विल कम अक्रॉस विथ नंबर ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. अब इस लॉ पर बेस्ड इनफाइनाइट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फ्रेम करे जा सकते हैं और आप ढेर सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखोगे भी, उनको करना भी चालू कर सकते हो. अब मैं आगे की बात समझाता हूं. द नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन.
note down karo. Now, after studying Hess law, ab main aapko samjhata hu the concept of enthalpy of combustion. The next is the concept of combustion and associated with it enthalpy of combustion. Delta HC. We denote it by delta HC. Now, first of all, what do you mean by combustion? Combustion hota kya? Combustion means vigorous oxidation in presence of excess oxygen. Along with the liberation of enormous amount of energy in the form of heat and light. That is combustion. Combustion kya hota hai? Main ek aur baar redefine karta hu. It's vigorous oxidation. Sabse pehle to vigorous oxidation hona chahiye. Vigorous oxidation in presence of excess of oxygen. Along with the liberation of enormous amount of energy in the form of heat and light. That is combustion. It would be conceptualized for fuel only. Enthalpy of combustion. Fuel ke liye conceptualized hoega. Fuel kya kya hote hai? Hydrogen is a fuel. Kerosene is a fuel. Petrol is a fuel. Carbon is a fuel. Paper is a fuel. Starch is a fuel. Protein is a fuel. Carbohydrates is a fuel. Or fats is a fuel. All these are fuel. Glucose is a fuel. Hum kehte hain hamari body ke andar glucose ka, protein ka, starch ka, fats ka, in sab ka oxidation hota hai, combustion hota hai. Hum is room mein कोयले को जला सकते हैं, ग्रेफाइट को जला सकते हैं, डायमंड को भी जला सकते हैं, उनका भी ऑक्सीडेशन होता है, कंबस्टन होता है. हाइड्रोजन को हम जला सकते हैं. इन सब के लिए हम एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन डिफाइन करेंगे. कंबस्टन इज विगरस ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन अलोंग विद द लिबरेशन ऑफ इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी in the form of heat and light. Now, ab main enthalpy of combustion define karta hu. Ye to combustion ki definition hui, combustion phenomena ki definition. Ab main enthalpy of combustion define kar raha hu. Enthalpy of combustion is the change in enthalpy when one mole of fuel is completely oxidized in presence of excess of oxygen in stable state. In order to form stable oxides. Main dobara repeat karta hu. Enthalpy of combustion is change in enthalpy when one mole of fuel is completely oxidized in presence of excess of oxygen in its stable state in order to form completely oxidized product. For example, यदि मुझे इथाइल अल्कोहल का एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन डिफाइन करना है. इथाइल अल्कोहल इज अ फ्यूल. इथाइल अल्कोहल भी एक फ्यूल है. यह जलता है, बर्न होता है. इथाइल अल्कोहल का यदि मुझको एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन डिफाइन करना है तो सबसे पहले मुझे एक मोल इथाइल अल्कोहल लेना होगा.
इथाइल अल्कोहल का यदि मुझे एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन डिफाइन करना है तो सबसे पहले एक मोल इथाइल अल्कोहल लेना होगा. इसको ऑक्सीजन के साथ एक्सेस ऑक्सीजन स्टेबल स्टेट में, ऑक्सीजन स्टेट स्टेबल स्टेट में होती है O2 गैस, और कंप्लीटली ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनाना है. दो कार्बन है, दो कार्बन के कंप्लीट ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनते हैं CO2 इन गैसियस स्टेट. छह हाइड्रोजन है, छह हाइड्रोजन का कंप्लीट ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट होता है CH2O इन लिक्विड स्टेट. और इस दौरान कितने ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहे हैं जरा देखें, कितने ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में देख लें, 2 × 2 = 4, 4 + 3 = 6, 4 + 3 = 7, 7 ऑक्सीजन है. एक ऑक्सीजन तो ऑलरेडी इथाइल अल्कोहल में मौजूद है, छह ऑक्सीजन के एटम चाहिए, इन छह ऑक्सीजन के एटम के लिए 3 O2. नाउ दिस वुड बी कॉल्ड कंबस्टन फिनोमेना ऑफ इथाइल अल्कोहल. वन मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल इज getting completely oxidized in this manner. Enthalpy change during this phenomena would be called enthalpy of combustion of ethyl alcohol. It's always a negative value, means it's always a exothermic phenomena, means during combustion heat is always liberated. यदि मुझे एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ हाइड्रोजन डिफाइन करना है तो कैसे करूंगा, एक मोल हाइड्रोजन गैस लेना होगा. यदि मुझे एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ हाइड्रोजन डिफाइन करना है तो एक मोल हाइड्रोजन गैस लेना होगा. इसको स्टेबल ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सीडाइज करना होगा, और इसका कंप्लीटली ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है H2O इन लिक्विड स्टेट. This would be called enthalpy of combustion of hydrogen. Please, mic cough कर दो कौस्तुभ, आपके हाथ में mic हो गया, mic cough कर दो please. This would be called enthalpy of combustion of hydrogen. इसी तरह से यदि मुझे enthalpy of combustion of graphite define करना है तो एक मोल ग्रेफाइट सॉलिड स्टेट में एक्सेस ऑक्सीजन के साथ स्टेबल गैसियस स्टेट में, इन ऑर्डर टू गिव यू CO2, दिस वुड बी कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ ग्रेफाइट. यदि इस फिनोमेना को स्टैंडर्ड कंडीशन में करेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेयर, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर हमेशा 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखा और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर यदि रखा, तो उस कंडीशन में डिटरमाइन करे गए एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन को हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन कहेंगे. फॉर एग्जांपल, यदि मुझे बेंजीन के लिए एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन डिफाइन करना है तो मैं कैसे लिखूंगा, सबसे पहले बेंजीन लेना होगा, बेंजीन C6H6 लिक्विड स्टेट. बेंजीन लिक्विड होता है, लिक्विड बेंजीन C6H6, और इसे एक्सेस ऑक्सीजन के साथ स्टेबल और मॉलिक्यूलर स्टेट में, और इससे चाहिए 6 CO2, 6 कार्बन है, 6 CO2 बनना चाहिए, 6 ऑक्सीजन है, hence 3H2O in liquid state. इस तरह से completely oxidized product बनना चाहिए. CO2 is complete oxidized product of carbon, H2O is complete oxidized product of hydrogen in liquid state. अब ऑक्सीजन बैलेंस करता हूं, 6 × 2 = 12 + 3 = 15, 15/2. इस रिएक्शन के दौरान जो भी कुछ एंथैल्पी चेंज है, दैट वुड बी कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ बेंजीन. इन दिस मैनर, इस तरह से हम एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन को डिफाइन करते हैं. नाउ
एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन हमेशा नेगेटिव वैल्यू होती है, एक्सोथर्मिक फिनोमेना है। अब मैं एक बात इधर और बताता हूं, किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी को हम एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखिए, एग्जैक्टली यहां से मैं मेरे अगले लेक्चर में समझाऊंगा। एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन को भी मैंने पूरा नहीं करा है, मुझे इसे फर्दर कंटिन्यू करना है, काफी कुछ समझाना है भी एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन के बारे में। अगले लेक्चर में मैं एग्जैक्टली यहीं से एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन के कंसेप्ट से ही कंटिन्यू करूंगा। आज के दिन इतना ही कराता हूं, गुड बाय, गुड नाइट। आप स्टडी पैकेज को अब देखना, उसके पेजेस टर्न करना चालू कर सकते हैं। मैं मेरे अगले लेक्चर में प्रिसाइसली आपको कुछ असाइनमेंट दूंगा, तब से आप फुल स्पीड में चालू कर देना।